एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी। राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव ओमकार सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार के ही रास्ते पर चलने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी कार्यशैली में ही झूठ का सहारा ले रही है, जिसका स्पष्ट प्रमाण सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पारा स्नातक शैक्षिक संस्थान नोएडा में तैनात चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेखर यादव हैं, जिनके प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में वर्ष 2013 से अनेकों मासूमों ने छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। करीब 6 माह पहले एक गर्भवती महिला ने भी संस्थान की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं का चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेखर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेसी में हम लोग जनहित के सवालों को, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। और जितने राजनीतिक दल हैं आज सबकी यही शिकायत है, क्योंकि हमारा जो पत्र जो हमने आपको मुख्यमंत्री के पत्र का हमने हवाला दिया कि जो नोएडा में डॉक्टर शेखर यादव हैं उनकी वो शराब पी करके कैंपस में घूमते रहते हैं, वहाँ पर उनके वजह से वहाँ मौतें हुई हैं, छत पर चढ़ करके वहाँ गर्भवती महिला ने जान दी है, और वहाँ के कर्मचारियों ने लिखा 30-30 कर्मचारी वहाँ लिख करके भेजे कि इनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। और उत्तर प्रदेश शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 माह पूर्व उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन वो अभी तक वहाँ से गए नहीं, धनबल के प्रभाव से, अपने पैसे के प्रभाव से, और उनके शासन स्तर पर कुछ उनके लोग बैठे हुए हैं उनके प्रभाव से वहाँ पर जमे हुए हैं। इसके लिए हमने प्रशांत त्रिवेदी जी से कल भी, जो प्रमुख सचिव, हमने बात की और उससे पहले भी हमने मिलने की कोशिश की, आज भी हमने पत्र उनका, चूँकि बात नहीं हो पाई, सत्र चल रहा है, लेकिन DG हेल्थ को उन्होंने कहा कि हमने कह दिया है रिलीविंग आर्डर बना दें। हम DG हेल्थ से मिले तो उनका चिकित्सा शिक्षा का मामला है, चिकित्सा शिक्षा में हम गए तो कहा नहीं हमारे पास आ गया, इसके रिलीविंग आर्डर आज ही हम बना देंगे, वो भी 20 दिन हो गया। हमारा पत्र का जो जवाब आया हमारे पास वो 1 महीना हो गया और 1.5 महीना पहले इनका आदेश हो गया। तो इस तरीके से जिस तरीके राजनीतिक दलों के पत्रों की अवहेलना हो रही है और राजनीतिक दल जो जुल्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठाते, शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, उनके साथ जब ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो इसलिए हम लोग, अगर ये बात नहीं हमारी, चूँकि लोकदल में, लोकदल की नोएडा इकाई है, वहाँ के लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, वहाँ के कर्मचारियों ने शिकायत किया, तो एक तो सबसे पहले उनको तुरंत हटाया नहीं जाता है, तो हमारे चूँकि सामने दफ्तर के सामने इनका दफ्तर, हमारे संगठन के लोग, जिले के लोग, महानगर के लोग, इस पर हम संगठित आंदोलन चलाने का काम करेंगे। वही रामदयाल के सवाल पर हमने वही कहा, वही लखीमपुर का घटना, वो मेधांश हॉस्पिटल का वही मामला है, वही हमारे पत्र का जवाब आया कि निस्तारण कर दिया गया। गोमती नगर में जो घटना हुई उसको भी हमने कहा कि वही पत्र आया कि हमें निस्तारण कर दें। तो फासिस्टवादी जो ताकते हैं, झूठ भय और अफवाह के सहारे सरकार बनाने का काम करती हैं, नफरत से तो सरकार बना सकते हैं लेकिन देश नहीं बना सकते। हम इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के आपको बुलाए हैं कि भाई अखबार के जो लोग हैं, कलम के लोग हैं, हम लोग पहले कहते थे कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी अगर सो गए तुम तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो आप लोग व्यवस्थापिका में आते हैं, पत्रकार चौथे खंभे लोकतंत्र के, और इसमें आप लोग हम इसमें जितने जिस तरीके से सरकार पर आप हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं पहुँचा। ABPS न्यूज़ सच का साथी।